अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही की रोल नंबर स्लिप्स इशू कर दी है। प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स तो वेबसाइट पे जाके रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल उठ रहा है, वो ये कि जो स्टूडेंट्स पास थे और अपने रिजल्ट से सर्टिस्फाइड थे उनकी भी ऑनलाइन रोल नंबर स्लिप्स आई हैं, और दूसरा एक ये भी न्यूज़ चल रही है कि यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि वो ऑनलाइन एग्जाम्स लेगी। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं और क्या जो ट्रेडिशनल एग्जाम्स हैं वो सभी ने अटेम्प्ट करने हैं। जिन्होंने पहले जो पास भी हो चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम में, उन्होंने भी ट्रेडिशनल एग्जाम अटेम्प्ट करने, ये कुछ कंफ्यूजन है जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और यहाँ पे लिंक आ रहा है डाउनलोड रोल नंबर स्लिप वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि कंपोजिट वालों के भी, पार्ट टू वाले जितनी भी कैटेगरीज थी सबके यहाँ पे रोल नंबर स्लिप इशू हो चुकी हुई है। आप यहाँ पे पार्ट टू सिलेक्ट करके या तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके सबमिट टू डाउनलोड पर क्लिक कर दें, या CNIC और डेट ऑफ बर्थ, या फिर अपने एडमिशन फॉर्म वाला नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों ही तरीकों में से कोई भी एक तरीका अडॉप्ट करके अपनी रोल नंबर स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, आप लोग ये पूछ रहे थे कि अब सबकी रोल नंबर स्लिप्स आई हैं, डेफिनेटली जो पास थे उनकी भी आई हैं, तो क्या अब ये कंपलसरी है सबके लिए कि ट्रेडिशनल एग्जाम्स अटेम्प्ट करें? तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पे देखिए अलर्ट में भी नोटिस दिया हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, रोल नंबर स्लिप सबकी आई है। वो इसलिए कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने रिजल्ट से तो आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल में, बट दिस इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आप चाहें तो ट्रेडिशनल को स्किप कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन रिजल्ट ही फाइनल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल में अटेम्प्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर इसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएँ तो हमारे ये कंसिडर हो जाए, तो वो इसी तरीके से हो जाएगा कि अगर आप ट्रेडिशनल अटेम्प्ट करेंगे और आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो वो फिर फाइनल कंसीडर होंगे, आपके ऑनलाइन वाले फिर फाइनल कंसीडर नहीं होंगे। सिर्फ आपको एक लिवरेज दी गई है, आपको फैसिलिटेट किया गया है, कोई कंपल्शन नहीं है। आप अगर सेटिस्फाइड हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के रिजल्ट से तो जस्ट एप्लीकेशन देके अपना रिजल्ट कार्ड वहां से ले लें पंजाब यूनिवर्सिटी से। अगर आप रिजल्ट कार्ड देंगे कि मुझे जरूरी चाहिए तो वो आपको इशू कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का जो था कि हम सबने ही एग्जाम देने, उसका मैंने जवाब दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ट्रेडिशनल होंगे? तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन अक्सर लोग आपको दिखा रहे होंगे और वो आपको कह रहे होंगे कि जनाब एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं वो सेमेस्टर सिस्टम वालों के हैं, बीएस, एमएस, एमफिल प्रोग्राम्स जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट जिनकी हुई हुई है और जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एज रेगुलर स्टूडेंट्स, सिर्फ उन्हीं के ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, बाकी किसी के ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे। और इसको एक और प्रूफ से मैं आपको साबित भी कर देती हूँ कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे, वो ये कि आप अपनी रोल नंबर स्लिप पे देखें, रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की उस पे देखें, उसके ऊपर सेंटर की लोकेशन लिखी हुई, मैं आपको दिखा भी देती हूँ किसी स्टूडेंट की। ये देखें, एक रोल नंबर स्लिप मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की हुई है किसी स्टूडेंट की। अब यहां देखिए साफ सेंटर लिखा हुआ है, तो जब सेंटर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ऑनलाइन तो नहीं है, ट्रेडिशनल है। तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन कि हमें अपियर होना ज़रूरी है एग्जाम में ट्रेडिशनल, अगर हम सर्टिस्फाइड भी हैं तो उसका आंसर नो है। आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स में अपियर हो सकते हैं, जिसमें आप चाहते हैं, सब में अपियर होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा कि आपके ट्रेडिशनल एग्जाम्स फिजिकल होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, और रोल नंबर स्लिप वेबसाइट पर आ चुकी है पार्ट टू की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की ऑथेंटिक और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और मुझसे जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।